इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि आपके सारे फायदे इन बड़े बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए हैं। आपने सरकारी, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन्हें खत्म कर दिया। बीएसएनएल सबसे पहले बात करता हूं, आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दनदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8,000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। यही बात खत्म नहीं होती, ओएनजीसी 1,00,000 करोड़ सरप्लस मनी थी उनके पास। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए। किसान का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ सिर्फ मनमोहन सिंह ने किया। आपने कहा किसान की इनकम डबल कर देंगे, क्या डबल हुई? आपने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3.5 लाख करोड़ की माफी दी पिछले साल। तो यह कैसे हो गया कि आज जो मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2 लाख करोड़ के थे वो आज 17 लाख करोड़ के कैसे हो गए? देनदारी रिलायंस 46,000 करोड़, अडानी साहब जिनके हवाई जहाजों में चढ़ते हैं मोदी साहब 1 लाख करोड़, एसआर 37,000 करोड़, और जो आपको सवाल करता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। अंबानी साहब को 1240 एकड़ जमीन सीमेंट प्लांट लगाने के लिए ये अलॉट की गई मोदी सरकार में, कितने की? 40 करोड़ की। सीमेंट प्लांट लगा नहीं और रिलायंस ने वो जमीन 4800 करोड़ रुपए की बेची। ये मुद्दे बहुत संगीन है साहब, बहुत संगीन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, हिंदुस्तान के संविधान की। देखिए, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के अपने ग्रंथ हैं, भगवत गीता जी हैं, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, लेकिन सियासी लोगों का भी एक ग्रंथ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पिरिट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है।